गुड इवनिंग चिल्ड्रन, देर इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर माई क्लास 10 चिल्ड्रन. प्रोबेबली नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर आस्किंग मी मैम, मार्क्स कम आए हैं और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के बारे में आप कुछ हमें बता सकती हैं. तो मैं उनकी ये डिमांड, उनकी ये सारी क्वेरीज लेकर आ गई हूँ उसके आंसर्स देने के लिए. बट इससे पहले कि मैं कुछ डिस्कस करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब एक लाइक करें, कमेंट डालें उसमें, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर देती रहूँगी. तो यहाँ पर मेरे पास है CBSE का ये एक लेटर जिस पे डेट डाली है 16 जुलाई का, यानी आज का ही लेटर है ये. और आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ये लेटर जो आया है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है. यू हैव टू, पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ये नोटिस है, ये इन्फॉर्मेशन है एक, कि जो बच्चे क्लास 10th के अपने सब्जेक्ट मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, CBSE उन एग्जामिनेशंस के बाद उनकी आंसर शीट को, एक प्रोसेस है, इसको हम पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन, स्क्रूटनी कई नामों से जानते हैं. तो आपके लिए ये बता दें बच्चों कि ये तीन टर्म्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं. ये तीन मेजर इश्यूज पर हम बात करेंगे, जिसमें है वेरिफिकेशन, आपकी फोटोकॉपीज ऑब्टेन करना, यानी आप फोटोकॉपी बोर्ड में ले सकते हो, से मंगा सकते हो, और रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स. ठीक है, तो एक एक करके इन पर चलते हैं. और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए बेटा, कोई डिटेल आपकी मिस नहीं होनी चाहिए. हाँ, हार्डली फ्यू मिनट्स का ये वीडियो है, आप इतना टाइम तो स्पेयर कर ही सकते हैं अपने अच्छे भविष्य और अपने अच्छे मार्क्स के लिए. तो आप ही की डिमांड पर ये मैं कर रही हूँ. सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक डिटेल लेटर दिया है CBSE ने कि आप किस तरीके से मार्क्स की वेरिफिकेशन या फोटोकॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रोसेस हो सकता है. तो जो बच्चे जो इस साल क्लास 10th के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनका रिज़ल्ट जो कि कल ही निकला है 15 जुलाई को, उनके लिए ग्रेट न्यूज़ है. तो मैं अब डिटेल आपको बताने जा रही हूँ, एक एक करके इस पर बात करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम यहाँ पर, करीब मेरे पास 9 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. सबसे पहला पॉइंट है आपका जो है वो है, नंबर वन इज़ आप का ये रिक्वेस्ट या ये सारे प्रोसेसेस के लिए रिक्वेस्ट जो आप करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की वेबसाइट पर. आप देख सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट क्या है. उसके बाद से जो भी स्पेसिफाइड शेड्यूल है, जो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी इस वीडियो के, और उसके जो भी चार्जेस हैं वो सारी डिटेल्स आपको दूंगी. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि बोर्ड ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट, और कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. और सबसे बड़ी बात, आफ्टर शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल दिया है, अगर आपने उसमें देर कर दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए जल्दी से जल्दी ये वीडियो अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, जो डिससेटिस्फाइड हैं, जिनको लगता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, उन तक ये खबर पहुंचाइए. प्लीज़ स्प्रेड इट बाय वर्ड ऑफ माउथ टू एवरी सिंगल फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज़ इन नीड ऑफ दिस. अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जहां पर प्रोसेसिंग चार्जेस जो है ये क्लियर किया गया है, आपको डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन. अब ये पेमेंट क्रेडिट से हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है. ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफलाइन हरगिज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. और जैसे कि पहले होता था कि कैश जमा करिए, चेक जमा करिए, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ई पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये इनमें से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. ओनली एंड ओनली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन चार्जेस एक्सेप्ट किए जाएंगे. अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जहां पर अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो
उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऑफलाइन एप्लीकेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई करस्पॉन्डेंट बोर्ड नहीं करेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट पर, जहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट अ मिनट, हाँ फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर स्टेप ही एक्सेप्ट किया जाएगा, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे पर कैंडिडेट, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। ठीक है, और बच्चे को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि उसने एक सब्जेक्ट के लिए करना है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन आपका एक ही जाएगा। वो मैं अभी आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, परेशान मत हो आप कैसे होगा ये। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर बोर्ड बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको अगर कोई लॉस हो, कोई डैमेज हो, या किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस हो कैंडिडेट्स को, किससे रिलेटेड, अगर मार्क्स की रिविजन में या कम्युनिकेशन में कोई डिले होता है, या उससे रिलेटेड ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, बोर्ड उसकी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं लेता। छठा पॉइंट ये कह रहा है हमारा कि अगर एक मार्क्स का डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो भी इफेक्टेड है, और डिक्रीज हुआ तो भी इफेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बच्चों, अगर वाकई में बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आपके 89 आए हैं और आपको 94 मिलना चाहिए था, 95 मिलने चाहिए था, तब तो अप्लाई करिए, वरना एक दो मार्क्स का के लिए, या मैं तो ये कहती हूँ बच्चों, अगर 4-5 मार्क्स का डिफरेंस है तो अप्लाई नहीं करना सही रहेगा। क्योंकि एज अ टीचर मैं भी ये जानती हूँ कि हर बच्चे के लिए या हर टीचर के लिए या हर व्यक्ति का करेक्शन का तरीका अलग होता है, तो 5 मार्क्स की जो है वेरिएशन चलती है। ठीक है बच्चों, खैर इस पर बहुत विचार कर लीजिएगा आप। उसके बाद से आते हैं सेवेंथ पॉइंटर पर, और वो ये कि अगर इन केस अगर मार्क्स चेंज हुए, इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसी कंडीशन में बच्चे को अपनी मार्कशीट सरेंडर करनी ही पड़ेगी, तो आपको दोनों ही अवस्था में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घट रहे हैं तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको नई मार्कशीट दी जाएगी। तो आउटकम इस वेरिएशन का, वेरिफिकेशन का और रिवैल्यूएशन का एकदम फाइनल और बाइंडिंग होगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर अप्लाई करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों 8th और 9th पॉइंट पर, जहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो आपका अगर कोई कैंडिडेट जो है, इफ द स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपियरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। खुदा ना खास्ता अगर वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के बाद अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट लिस्ट में प्लेस कर दिया गया, उस स्टेटस में आ गया, उसकी कंपार्टमेंट आ गई, तो फिर उसे अपियर होना पड़ेगा कंपार्टमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों ये। उसके बाद से प्रोसेसिंग चार्जेस बिल्कुल रिफंडेबल नहीं है किसी भी अवस्था में, चाहे तुम्हें फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों कि ये वेरिफिकेशन होगा कैसे। तो पहले स्टेप पे चलते हैं हम। पहला स्टेप ये कहता है कि आपके जो ये मार्क्स हैं ये वेरीफाई तब होंगे जब, अभी मैं आपको आगे चलकर एनेक्शन ए में एक शेड्यूल है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी बच्चों, इस पर हम आएंगे वापस। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बता दूं कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनिए, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। ठीक है, और जो रिजल्ट है वेरिफिकेशन का, उसको हम इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यानी कि CBSE आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा इस वेरिफिकेशन को। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इस ये जो वेरिफिकेशन है इसका रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो
वो आपको अपलोड करेगा आपके CBSE वेबसाइट पर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, CBSE वेबसाइट पर आपका रिजल्ट अपलोड होगा। अगर मार्क्स में कोई चेंजेस हैं तो एक लेटर आपको भेजा जाएगा, यानी आप एप्लीकेंट हैं कैंडिडेट को स्पीड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, कौन भेजेगा आपको, आप जिस भी रीजनल ऑफिस में आते हैं, सपोज करिए कि आप रीजनल ऑफिस चेन्नई में आते हैं या अलाहाबाद में आते हैं, तो रीजनल ऑफिस आपको एक लेटर भेज देगा चेंज ऑफ मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए। ठीक है, उसके बाद सपोज करिए कि आप कोई चेंज नहीं हुआ मार्क्स में, जो मार्क्स बोर्ड ने में आपको मिला है वही रह गया, तो कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा, यानी लेकिन वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि नो इंक्रीज इन मार्क्स या नो चेंज। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चेंज होगा या नहीं होगा वेबसाइट पे ज़रूर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चेंज होगा तो आपको एक डिटेल आ जाएगी, और अगर चेंज नहीं होगा तो CBSE कोई लेटर आपको नहीं भेजेगा। तो आपको खुद काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप वेबसाइट को विज़िट करते रहें और चेक करते रहें, ऑफ एंड ऑन स्टेटस को चेक करते रहें। ठीक है बच्चों, हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट पर, जहां पर सिर्फ वही बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फोटोकॉपी ऑब्टेन करने, यानी सेकंड स्टेप पर आप तभी जा सकते हैं जब आपने फर्स्ट स्टेप यानी कि वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लिया होगा समय रहते, सिर्फ उनको ही फोटोकॉपी मिलेगी आंसर शीट की, यानी सेकंड स्टेप पे आप तभी जा पाएंगे जब आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया होगा, तभी आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, यानी ये फोटोकॉपी कैसे ऑब्टेन किया जाए, यानी सेकंड स्टेप पे, इसकी डिटेल पे आते हैं। सबसे पहले कि सिर्फ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा ऑनलाइन उनको मिलेगा और वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, ये बहुत क्लियर हो गया। दूसरा ये कि आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसका जो अमाउंट है वो है ₹500 पर सब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी डिटेल अभी आपको एनेक्सरे आगे शेड्यूल में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो एप्लीकेशन कैंडिडेट ने जमा किया है, अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुई तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फी डिपॉजिट भी इट शैल बी फॉरफीटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंसेस, यानी ये वापस नहीं किया जाएगा आपको बिना कोई रेफरेंस दिए, क्योंकि गलती आपकी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोटोकॉपी, जो इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स की जो फोटोकॉपी है वो कैंडिडेट के लॉगिन अकाउंट, सारी आइडेंटिटी जो है एग्जामिनर की, इवैल्यूएटर की, ऑफिशियल जो भी इन्वॉल्व रहे हैं आंसर शीट की करेक्शन के दौरान, उनकी आइडेंटिटी को हम ब्लॉक कर देंगे, यानी CBSE ब्लॉक कर देगा, और फिर तब उसे बच्चे को भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद से उसके बाद से एप्लीकेंट्स जो हैं उनको स्कैन कॉपी दी जाएगी इस आंसर बुक की। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अगर कैंडिडेट चैलेंज करना चाह रहा है मार्क्स को किसी भी क्वेश्चन में, तब वो थर्ड स्टेप पर जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन। और अब चलिए हम रीवैल्यूएशन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन इन आंसर शीट्स का किस तरीके से होगा, या आप ध्यान रखिए, पहला जो पहली बात, जिन्होंने फोटोकॉपी ऑब्टेन की होगी वही रीवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी वन जिसने किया वो टू के लिए हुआ, और टू जिसने किया वो थ्री के लिए हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वेरिफिकेशन के लिए कर दिया और फिर आप सीधे रीवैल्यूएशन पे आ जाएंगे, नहीं, आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर आप बाद में कॉपी ऑब्टेन करें ना करें वो आपकी मर्जी है, या आप रीवैल्यूएशन के लिए डालें ना डालें ये ज़रूर कर लें आप। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं। अब दूसरा ये कि रीवैल्यूएशन का जो चार्ज है वो सिर्फ थियोरी ऑप्शन के लिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, और ये ₹100 पर क्वेश्चन है। ठीक है, ₹100 प्रति क्वेश्चन लगेगा, प्रति प्रश्न, हर प्रश्न का ₹100 लगेगा आपका।
अब एप्लीकेंट जो है वो मार्किंग स्कीम को रेफ़र कर ले, पहले वेबसाइट पर जा करके चेक कर ले क्वेश्चन पेपर उसकी मार्किंग स्कीम, और उसके बाद से अगर ज़रूरत पड़े तो वो रीजनिंग के साथ उस रिक्वायर्ड क्वेश्चन के साथ कि भाई मुझे यहाँ ये मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये नहीं मिले इसलिए मैं डिससैटिस्फाइड हूँ, ठीक है। तो स्टेटस जो है रिवैल्यूएशन का वो अपलोड कर दिया जाएगा, एक फॉर्मल लेटर उसके बाद CBSE पोस्ट कर देगा आपके पास। कोई अपील कोई रिव्यू नहीं एंटरटेन की जाएगी इस रिवैल्यूएशन के खिलाफ। इस केस में बहुत क्लियर किया गया है ये रूल, ये आप पढ़ लीजिए RTI एक्ट के तहत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप को अब मैं बता दूं जिस शेड्यूल के बारे में मैं बात कर रही थी एनेक्शर ए का, वो शेड्यूल ये रहा। शेड्यूल ये कह रहा है कि इसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं आपको कि किस तरीके से आप मार्क्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, कब कब, उसकी ड्यूरेशन और उसकी फ़ी के चार्जेस क्या हैं, वो सब बताया गया है क्लियरली, ठीक है। तो आइए एक एक करके फटाफट कर लेते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यू आर अप्लाइंग, आपको बस ये ध्यान रखना है ये स्लॉट कि आप 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के बीच में कर सकते हैं, और सिर्फ 24 जुलाई के 5 PM तक ही, शाम के 5 बजे तक। चार्जेस क्या लगेंगे, 500 रुपया प्रति सब्जेक्ट। अब अगर फोटोकॉपी आपको ऑब्टेन करना है तो वो भी अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन, वो 4 और 5 अगस्त को है जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे है, फिर ये 5 बजे तक, और अब की बार हर आंसर बुक का आपको 500 रुपया। यानी सपोज़ करिए कि आपने अप्लाई किया ऑनलाइन मैथमेटिक्स का, हाँ, और आगे आप जा रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स का फिर 500 रुपीज़ इसका अलग से पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट स्टेप पर, जहाँ पर रिवैल्यूएशन का, कि अगर आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप रिवैल्यूएट करवाएंगे अपनी कॉपी, और इसके लिए आपको 10 और 11 अगस्त का टाइम मिलेगा अप्लाई करने का ऑनलाइन, 5 शाम 5 बजे तक, और प्रति क्वेश्चन 100 रुपया, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो जिन क्वेश्चन में आपके पास आपकी आंसर शीट होगी, आप उन आंसर शीट को देख लीजिए, जहाँ पर लगता है कि आधा एक नंबर की गड़बड़ी, डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट, ये तो हम अभी नहीं बता सकते, तब आपको बहुत सोच समझ कर, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप ये ध्यान दें। और आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट टू द चिल्ड्रन दोज हु आर डिससैटिस्फाइड, यू कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पर पूरी डिटेल दी है मैंने। थैंक यू सो मच बच्चों, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरीके की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।